नमस्कार, मैं हूं नवजोत और स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने वाली तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को जमानत नहीं मिली। उनके समर्थकों में इससे जबरदस्त निराशा है। 4 साल की सजा होने के बाद जयललिता अगले 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। फिल्म अभिनेत्री से मुख्यमंत्री बनने तक और अब जेल पहुंचने की जयललिता की कहानी में फिल्मी अंदाज वाले ही ट्विस्ट एंड टर्न है। सवाल यह है कि क्या राजनीति में उनकी शानदार कहानी का दी एंड हो गया है, या जिंदगी में कमबैक से उनके इतिहास को देखते हुए कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। एक तस्वीर जश्न की है जब ये अफवाह फैली कि जयललिता को सशर्त जमानत मिल गई है। बेंगलुरु से चेन्नई तक जयललिता के समर्थकों में खुशी की लहर एक तरीके से दौड़ पड़ी। एआईजीएम के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। महिलाएं जयललिता की तस्वीर को गले लगाने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, पटाखे फोड़े जाने लगे। जश्न का ये माहौल करीब आधे घंटे तक चला, लेकिन समर्थकों पर तब बिजली गिर गई जब यह खबर आई कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जश्न अचानक थम गया, बहुत से लोग रोने लगे। वहीं कुछ समर्थक विरोध जताने के लिए सड़कों पर लेट गए। दरअसल खुशी और गम का ये माहौल इसलिए बना क्योंकि सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। इसके बाद ही कुछ न्यूज चैनल्स ने ये खबर चलाने शुरू कर दी कि जयललिता को जमानत मिल गई है, जबकि आई एन सेवन इस बात पर कायम रहा कि फैसला नहीं हुआ है और कोर्ट में सुनवाई जारी है। कुछ देर बाद सुनवाई खत्म हुई तो साफ हो गया कि जयललिता को जमानत नहीं मिली है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को जमानत नहीं दी है। इस फैसले के बाद जयललिता के वकीलों ने कहा कि वो मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। दूसरी तरफ जयललिता को जमानत न मिलने पर भ्रष्टाचार के मामले में याचिकाकर्ता बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उन्हें जया को जमानत न मिलने पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ है। सुनते हैं फैसले पर प्रतिक्रिया। The only option of Miss Jayalalitha is to approach the Supreme Court immediately tomorrow or after tomorrow. मैं तो ये कहता हूँ कि जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया वो ठीक किया है, क्योंकि अभी कोई अपील नहीं है और अपील एडमिट हो जाए और जजमेंट सस्पेंड हो जाए तो फिर उनको बेल मांगने के लिए कुछ एक गुंजाइश बनती है। आज तो कोई थी नहीं और जयललिता को जमानत नहीं मिली, लेकिन समर्थकों ने फैसला आने से पहले जमानत के लिए जमकर माहौल बनाने की कोशिश की। भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने के बावजूद उनकी ये लोकप्रियता हैरान करने वाली है। सच ये है कि इसी लोकप्रियता की बदौलत ही करीब 25 साल तक जयललिता तमिलनाडु की सियासत की धुरी बनी रही और 3 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। पहले जमानत का जश्न, और फिर जमानत न मिलने का मातम। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को सशर्त जमानत के केस में कुछ उसी तरह से टर्न और ट्विस्ट आए जिसकी गवाह उनकी अब तक की जिंदगी रही है। सुनवाई के दौरान जब सशर्त जमानत का विरोध नहीं किया गया तब बेंगलुरु से चेन्नई तक उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मगर हालात बदलते देर नहीं लगी। हालांकि सच ये भी है कि जयललिता के जेल जाने के बाद से ही समर्थक उनके लिए दुआ कर रहे थे। कर्नाटक हाईकोर्ट में जमानत की सुनवाई से पहले चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक हालात तनावपूर्ण थे। हाईकोर्ट के बाहर भी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम थे। दूसरी तरफ तमिलनाडु में एआईएडीएम के समर्थकों ने चेतावनी दी थी कि जयललिता को जमानत नहीं मिली तो वो राज्य में रहने वाले कर्नाटक के लोगों को बंधक बना लेंगे। हालांकि इस पोस्टर पर विवाद हुआ तो पार्टी ने सफाई देने में भी देर नहीं की। दैट पर्सन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम आवर पार्टी दैट पोस्टर
That poster will not bind our party. We made complaint against him. जयललिता के समर्थन में चेन्नई के बड़े बाजार बंद थे, थोक और फुटकर, फल और सब्जी की दुकानें भी बंद थीं। अपने नेता के प्रति लोगों की दीवानगी का आलम ये कि बहुत से समर्थकों ने तो अपने सिर तक मुंडवा लिए थे। चेन्नई के जेजे स्टेडियम में समर्थकों ने जयललिता की जमानत के लिए दस्तखत अभियान भी शुरू किया था। इस अभियान में तमिलनाडु के जाने माने खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया था। अभियान में शामिल हुए पूर्व हॉकी खिलाड़ी वासुदेवन भास्करन का कहना था कि जयललिता के समर्थन में लोगों के जोश का मकसद फैसले को गलत ठहराना नहीं था, बल्कि प्रशंसक अपने ढंग से अपने नेता के प्रति अपना प्यार और समर्पण दिखाना चाहते थे। टुडे इज अ डिफरेंट वन बिकॉज़ वी वांट टू शो दैट मैडम शुड कम आउट क्लीन बिकॉज़ शी हैज गॉन इनटू अ लॉट ऑफ हिमालयन टास्क बिफोर मच अर्लियर एंड वी प्रे दैट वी वांट टू सी दैट शी कम्स बैक एंड जॉइन अस। भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए जाने के बावजूद जयललिता की लोकप्रियता ताजुब में डालने वाली है। तमिलनाडु में ये दीवानगी एक ऐसी महिला के लिए है जो जन्म से कन्नड़ ब्राह्मण है, फिर भी राज्य की द्राविड़ सियासत में उनकी मजबूत पकड़ है। वो तमिलनाडु की 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। 18 साल पहले जयललिता के लिए ऐसा समर्थन नहीं था। आलीशान जीवन शैली और सख्त शासन की वजह से वो अलोकप्रिय भी हो गयी थी। 1996 में जनता ने उन्हें चुनाव में हरा भी दिया था। अगले चुनाव में जनता ने उन्हें फिर मौका दिया, लेकिन जयललिता ने इस बार भी गलती की। उन्होंने बेहद चर्चित ऑपरेशन में अपने सियासी प्रतिद्वंदी करुणानिधि को गिरफ्तार करवा लिया। अगले चुनाव में जनता ने उन्हें फिर हरा दिया, लेकिन 2011 में जब वो तीसरी बार सत्ता में पहुंची तो उन्होंने गलती नहीं की। उन्होंने कई लोकप्रिय योजनाओं की शुरुआत की, सस्ते खाने की कैंटीन, नमक, दवाखाना, पानी की बोतल के साथ अम्मा शब्द जुड़ गया। अम्मा यानी जयललिता गरीबों की मसीहा की तरह लोकप्रिय हो गयी। जयललिता को जमानत न मिलने पर उनके वकीलों ने कहा कि वो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जयललिता को जिस मामले में सजा मिली है उसके याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी है, जिनका कहना था कि 1991 में जयललिता के पास 3 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जबकि 1996 में ये बढ़कर 66.65 करोड़ हो गई। देखते हैं मामला क्या है। जिस वक्त समूचे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी, उस दौर में भी जयललिता के करिश्माई नेतृत्व में AIADMK ने तमिलनाडु की 39 में से 37 सीट पर जीत हासिल की। तभी भ्रष्टाचार के 18 साल पुराने मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत का फैसला आया और सब कुछ बदल गया। अदालत के इस फैसले के बाद जयललिता को जेल जाना पड़ा। इस फैसले ने जयललिता के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हालांकि राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि जयललिता को खारिज करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इससे पहले भी वो ये साबित कर चुकी हैं कि उनमें विपरीत परिस्थितियों में वापसी करने का मादा है। भ्रष्टाचार के मामले में सजा होने के बाद जयललिता ने अपने सबसे वफादार साथी ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। साल 2001 में जब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद जयललिता को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, तब भी उन्होंने पनीरसेल्वम को ही मुख्यमंत्री बनाया था। पनीरसेल्वम कभी भी उस कुर्सी पर नहीं बैठे जिस पर जयललिता बैठा करती थी। इस बार भी जब उन्होंने शपथ ली तब उनकी आंखें नम थी। हालांकि इस बार हालात 2001 जैसे नहीं है। जयललिता को 4 साल की सजा हुई है, उन पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा है। इस फैसले के बाद जयललिता अगले 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। ऐसे में ये सवाल अहम है कि क्या जयललिता का सियासी करियर खत्म हो गया है या पिक्चर अभी बाकी है। On what ground was the bail rejected? On what sir, ground? Being the corruption, he is objecting the human rights. जयललिता के समर्थकों को यकीन है कि अम्मा एक बार फिर वापसी करेंगी, लेकिन ये आसान नहीं है। स्पेशल कोर्ट ने जयललिता के साथ उनकी दोस्त शशिकला, उनके तत्कालीन दत्तक पुत्र VN सुधाकरन और शशिकला के रिश्तेदार जे इलावरासी को भी 4 साल की सजा सुनाई है। ये मानने वालों की कमी नहीं है कि जयललिता के साथ साए की तरह रहने वाली शशिकला ने अपनी दोस्ती का गलत फायदा उठाकर गैर कानूनी रूप से संपत्ति इकट्ठा की। शशिकला VN सुधाकरन की मौसी है।
1995 में जिनकी शादी पर बेहिसाब खर्च की वजह से जयललिता को आलोचना भी सहनी पड़ी थी। सुधाकरन तब जयललिता के दत्तक पुत्र हुआ करते थे। इस शादी में सिर्फ खाने पीने पर ही 2 करोड़ रुपए का खर्च आया था। मैरिज ऑफ शशिकला'स नेफ्यू, दैट वाज अ रियली रियली बैड थिंग फॉर द होल वर्ल्ड टू सी हाउ मच ऑपुलेंट मैरिज शी परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट सन। सुब्रमण्यम स्वामी ने 1996 में जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कराया था। जयललिता 1991 से 1996 तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। मुख्यमंत्री के रूप में वो सिर्फ 1 रुपए महीने की तनख्वाह लेती थी, मगर स्वामी का आरोप था कि 1991 से 1996 के बीच जयललिता की दौलत 22 गुना बढ़ गई थी। 1996 में वो चुनाव भी हार गई थी, लेकिन सच ये भी है कि तब से अब तक उन्होंने कई बार सियासी कमबैक किया है। जयललिता की शानदार कहानी का दी एंड हुआ या नहीं, ये जानने के लिए आपको अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में जेल पहुंची जयललिता का क्या होगा, क्या पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल फिल्म हीरोइन से मुख्यमंत्री बनने तक की जयललिता की जिंदगी की कहानी में बहुत से टर्न हैं। जब जब जिंदगी ने जयललिता के सामने चुनौती पेश की है, तब तब जयललिता विजेता के तौर पर सामने आई है। जय राम जयललिता। 24 फरवरी 1948 में कर्नाटक के मैसूर में जयललिता का जन्म एक अय्यर परिवार में हुआ था। जयललिता के दादा मैसूर राज्य में सर्जन थे, लेकिन अमीर परिवार में जन्म लेने के बावजूद जयललिता का बचपन गरीबी में बीता। दरअसल उनकी जिंदगी में इतने टर्निंग पॉइंट हैं कि ट्विस्ट एंड टर्न वाली बॉलीवुड फिल्में भी उनकी कहानी का मुकाबला नहीं कर सकती। जयललिता की जिंदगी में शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट तभी आ गया था जब वो महज 2 साल की थी। उनके पिता का निधन हो गया था, घर की माली हालत खराब हो गई। उनकी माँ संध्या नाम से फिल्मों में काम करने लगी, तब वो अम्मू के नाम से पुकारी जाने वाली जयललिता को खींचकर सेट तक ले आती थी। लेकिन जयललिता को फिल्मों में रुचि नहीं थी, वो पढ़ाई में काफी तेज थी, फिर भी किस्मत उन्हें फिल्म उद्योग की तरफ ले जा रही थी। में महज 13 साल की उम्र में अम्मू यानी जयललिता ने अपनी पहली फिल्म में अभिनय किया। जयललिता एक बार फिल्मों में आई तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। छोटी उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में बिकनी पहनी। वो दक्षिण भारत की पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने स्कर्ट पहनकर फिल्मों में भूमिका निभाई थी। फिल्मों में आने के 3 साल बाद ही डायरेक्टर श्रीधर के साथ की गई विन्नी रदाई उनकी पहली हिट फिल्म थी। I surprised, very good looking, charm, very confident also she is. So, paathittu romba sandoshapetta, I congratulated myself, Rajasthri and all. The first time I asked. कुछ ऐसा ही असर उन्होंने उस वक्त के मेगा सुपरस्टार MGR पर छोड़ा। MGR ने उन्हें अयुराथिल ओरुवन में मौका दिया। तब पढ़ने की शौकीन अम्मू अपनी किताबों के साथ सेट्स पर पहुंचती थी। This is the scene, this is the Lakna. Okay, I'll go. Ready, I'll keep ready. Then she'll go only one take. Even to this day, she is an avid reader, a person who like a sponge absorbs and imbibes knowledge. MGR और जयललिता की केमिस्ट्री ने इतिहास बना दिया। दोनों ने 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, सभी सुपरहिट रहे। ।1972 में MGR ने DMK को तोड़ दिया और AIADMK बनाई। 1977 में जब वो मुख्यमंत्री बने, तब वो फिल्मों की अपनी साथी को भी सियासत में लाना चाहते थे, लेकिन कानून की पढ़ाई में दाखिला लेने वाली जयललिता तब कहानियाँ लिखना शुरू कर चुकी थी और सियासत में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। I would have very much liked to be a lawyer, or I would have been a very good academician.
he literally compelled me to join politics to help him. He persuaded me. I don't enjoy politics. I'm doing my duty. मगर फिल्म उद्योग से चार बार मुख्यमंत्री चुन चुके तमिलनाडु में एमजीआर भगवान का दर्जा रखते थे, उन्हें कोई आसानी से ना नहीं कह सकता था। यू नो शी वुड हैव प्रोबब्ली जस्ट हर्ड वन क्लास ऑफ हैड अटेंडेड वन क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक बट शी वुड हैव पिक्ड अप लाइक दैट। यू शी इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी एंड शी हैड इंटरेस्ट इन सो मेनी थिंग्स। बतौर प्रोपेगेंडा सचिव जयललिता एआईएडीएमके में शामिल हो गईं। संसद में कार्यकाल के तजुर्बे और एमजीआर की सरपरस्ती ने उनमें आत्मविश्वास भर दिया। एमजीआर के विश्वास पात्र के रूप में पार्टी में उनकी मजबूत होती स्थिति कई लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण भी बन गई। और यहीं से विपरीत परिस्थितियों के साथ जयललिता की पहली बड़ी लड़ाई शुरू हुई। There were people within the ADMK during MGR's time who were against her. They were trying to poison his ears, and she was totally down and she was sidelined. And when MGR died, she was not even allowed to go and see him, his body, in the Ramavaram Gardens. But she managed to come and stand next to his body. अपमान के बावजूद जयललिता की संयमित चुप्पी ने जनता के बीच उनके प्रति हमदर्दी जगा दी। इसके बाद हुए चुनाव में उन्होंने एआईएडीएमके के उस धड़े को पराजित कर दिया जिसकी अगुवाई एमजीआर की विधवा वीएन जानकी कर रही थी। लोगों ने फैसला कर दिया था कि एमजीआर की विरासत का असली वारिस एमजीआर का परिवार नहीं बल्कि जयललिता थी।